हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं फिर से लाया हूँ इंडियन नेवी SSR-AA-MR का प्रैक्टिस मॉडल क्वेश्चन साइंस का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल पर केजी केल्विन होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का विमीय सूत्र पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखे थे, IT होता है। एक गीगा कितने के बराबर होता है? तो 1 गीगा 10^9 के बराबर होता है। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? तो 10^-14 मीटर 10^-14 मीटर नाभिक का त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या 10^7 मीटर होता है। तो हम लोग पृथ्वी का त्रिज्या पिछले वीडियो में देखा था। नेक्स्ट है, उदरक रूप से नीचे की ओर आने वाली वस्तु का त्वरण चिन्ह क्या होता है? तो नीचे की ओर जब जाती है तो घनात्मक और ऊपर की ओर जाती है तो ऋणात्मक, याद रखिए। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइए। एक कण विरामावस्था से समरूप त्वरण के साथ गतिशील है और 30 सेकंड के बाद इसकी विस्थापन मीटर में क्या होगी यदि समीकरण दिया है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, 18 m/s² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वैल्यू वेक्टर दिया है, बी का वैल्यू वेक्टर दिया है, तो पहले ए दोनों वेक्टर का सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तब मॉडुलस निकाल देंगे। राइट आंसर आएगा √26। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश एक संवेग राशि है, संवेग जो है सदिश राशि है, वेक्टर है, तो ऑप्शन चुन लीजिएगा कौन सा है। वृत्तीय पथ पर चलने वाली वस्तु में कौन सी गति है? तो वृत्तीय पथ पर चक्रीय गति होती है। नेक्स्ट है, पहाड़ पर रखे हुए पत्थर के टुकड़ों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पदार्थ में रखा हुआ टुकड़ा है तो स्थिर है, तो उसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। आर त्रिज्या वाले समान अर्धवृत्तीय तार के द्रव्यमान के केंद्र से उसकी ज्यामितीय केंद्र कितना होगा? तो 2r/π होता है। वाले समान अर्धवृत्तीय तार के द्रव्यमान केंद्र की दूरी उसका ज्यामितीय केंद्र से कितना होता है? 2r/π। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सटे हुए चलते उपग्रह को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 41 सेकंड लग, 1 घंटा 41 मिनट, यानी बोल सकते हैं कि 1.41 घंटा। नेक्स्ट है, तने हुए तार में ऊर्जा कितना बराबर होता है? तो तना हुआ तार में फार्मूला है 1/2 प्रतिबल गुने विकृति। नेक्स्ट है, कांच की एक किसनली में पानी 0.12 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 7×10^-2 Nm है पर मीटर है, तो नली का व्यास कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिएगा, 2.34×10^-4 मीटर होगा आंसर। नेक्स्ट होता है, पानी की अपेक्षा दूध की ऊष्मा धारिता क्या होती है? तो पानी की अपेक्षा दूध की ऊष्मा धारिता कम होती है। नेक्स्ट है, बर्फ का ताप 0°C से 4°C तक लाया जाता है। बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, बर्फ से अगर पानी में कन्वर्ट होगा तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। एक पट्टी भिन्न भिन्न दो धातुओं के समान मोटाई का बना है जिसका चालकता K1 और K2 है, तो पट्टी में उसमें चालकता कितनी होगी? तो 2K1K2/K1+K2। नेक्स्ट है, पूर्ण गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बराबर कितनी होती है? पूर्ण गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT के बराबर होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है विस्थापन का। सरल आवर्त गति में किसके अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण? तो विस्थापन का, डी का। अभीष्ट खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? तो कांस्टेंट रहता है। खोखले गोले के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र पूछता तो 0 होता, अगर विभव पूछा हो तो कांस्टेंट होता है। सामान्य धारिता के 3 संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 μF है, तो उन समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो उनका तुल्य प्रतिरोध 54 μF होगा। आप इसका इक्वेशन निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश मुड़ना को मुड़ना क्या कहलाता है? तो कोर से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो ये तो GK GS का क्वेश्चन हो गया, शुक्र है। शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट लेकर। थैंक्स।